नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आपका मदरहुड मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अक्सर आपके बच्चे शिकायत करते होंगे रात के वक्त जब सोने जाते हैं, मम्मा पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, मम्मा पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ये यूजुअली सब बच्चों की प्रॉब्लम होती है और ये ना 3 से 12 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है। तो ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, चलिए आज इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, मेजरली क्या होता है ना, 3 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो डेवलपिंग पीरियड में होते हैं। जी हाँ, उनकी जो मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं तो उनकी मसल्स जो होती है, उनकी जो बोन मसल्स वो स्ट्रेच कर रही होती है, तो इसीलिए बच्चों को ये पेन होता है। समझ आई ना अब आपको? डेवलप बच्चे कर रहे हैं, उनकी हाइट बढ़ रही है, उनके मसल्स ग्रोथ कर रही हैं, तो ऐसे में मसल स्ट्रेच हो रही हैं और बच्चों को वो पेन होता है। पहला ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि बच्चे पूरा दिन भाग दौड़ खेल कूद, उधर भागना इधर भागना उधर कूदना, बच्चों वहाँ जाना यहाँ जाना, तो इस वजह से भी एक ये प्रॉब्लम है। तीसरी वजह है कि हो सकता है बच्चे के अंदर विटामिन डी की डिफिशेंसी हो, कैल्शियम की डिफिशेंसी हो, इस वजह से बच्चों की हड्डियों में दर्द रहता है। अब जो तीसरा रीज़न है कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशेंसी में, तो ऐसे में आपको बच्चे को सन एक्सपोजर देना चाहिए, बच्चे को कैल्शियम रिच फूड देना चाहिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये आपको देना चाहिए। और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, हर रोज़ बच्चा शिकायत करता है, तो ऐसे में आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वो डॉक्टर्स जो होंगे, अगर उनको विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशेंसी होगी तो बच्चों को उसके सप्लीमेंट शुरू कर देंगे, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अब आते हैं हमारे 2 रीज़न्स पर। यानी कि पहला रीज़न हमारा ये है कि भाई बच्चों की मसल स्ट्रेच कर रही है, बच्चों की ये तो, और दूसरा हमने आपको बताया कि बच्चे पूरा दिन भागते खेलते रहते हैं। अब इसमें क्या करें? देखिए, अगर बच्चा आपको रात में बोलता है मम्मा पैर दबा दो प्लीज़, तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की वॉर्म सिखाई करें। जी हाँ, जैसे सिखाई हल्का सा आप कपड़ा ले लीजिए और वॉर्म कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा गर्म कर लीजिए जो आपकी स्किन को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है, आपकी स्किन को टॉलरेट हो इतना, तो उससे उसकी सिखाई कर सकते हैं वॉर्म। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुनगुना होनी चाहिए, या एक बॉटल आती है गुनगुने पानी, उसमें भर दीजिए और उस पैरों पे रख दीजिए, उससे भी सिखाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप बच्चे की वॉर्म ऑयल से मसाज कर सकते हैं। अगर आप रात में बच्चे की वॉर्म ऑयल से मसाज करते हैं तो बच्चे को बहुत राहत मिलेगी। कोशिश करें कि मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसी से बच्चे की मालिश करें, लेकिन वॉर्म होना चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे को उससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, यानी कि 10 से 12 साल का बच्चा है, तो आप उसे, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप उसे पेन किलर्स भी दे सकते हैं, लेकिन पेन किलर्स का एडिक्शन ना बनाएं। इसीलिए मैं तो कोशिश करती हूँ ये चीज़ें अवॉइड करने की। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके कोई ऑइंटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए वो हम दे सकते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि भाई पैरों में अगर दर्द होने लग गया है बच्चों के तो क्या कर सकते हैं और उसका रीज़न क्या है। तो अब आप, उम्मीद करती हूँ, समझ गए होंगे। अब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन मदरहुड मंत्रा में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपको हम देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही।